जय श्री राम। मैं आपका दोस्त बर इंस्टा फॉर एकेडमी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये मेन्प्रेशन के अंदर हमारा पार्ट 15 होगा, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, पिछले पार्ट में प्रीव्यू पढ़ रहे थे। प्रीव्यू में हम कैनाल रिलेटेड ट्रेपेजियम प्रीव्यू क्वेश्चन सॉल्व करना सीख चुके थे। इस पार्ट में प्रीव्यू से रिलेटेड और क्या क्या कंसेप्ट, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, प्रीव्यू के अंदर कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन है एक प्रिज्म का आधार एक हेक्सागन है, यदि हेक्सागन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक चीज में और है हाइट 6 सेंटीमीटर है। हेक्सागन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा? ठीक, तो देखिए ये क्या है हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म, बेस में देखिए क्या बना है, एक हेक्सागन बना है, क्या बना है हेक्सागन, हेक्सागन, और टॉप पे भी क्या है हेक्सागन, हेक्सागन। अब बोल ये रहा है कि हेक्सागन की जो हर साइड है कितनी सेंटीमीटर, कितने मीटर की है 4 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की 4, ये तो 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी, तो हर साइड कितने सेंटीमीटर की है 4 सेंटीमीटर की, और ये जो हाइट दी है हमने कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब देखिए हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है प्रिज्म का वो क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट। अब देखिए इस प्रिज्म का जो बेस है एक हेक्सागन में, मतलब हमें क्या निकालना होगा एरिया ऑफ हेक्सागन इनटू में हाइट, और हाइट कितनी है 6 है, तो हेक्सागन का एरिया कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं इस हेक्सागन के सारे डायगोनल्स को क्या कर दूं मीट कर दूं, मीट कर दें, तो अगर हेक्सागन के अगर हम सारे डायगोनल्स को मीट करते हैं तो इसमें छोटे छोटे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बनते हैं, क्या बनते हैं समबाहु त्रिभुज। अब हमें पता है अगर ये साइड 4 है तो ये साइड भी कितनी होगी 4, ये भी कितनी 4, 4 होगी। तो अगर हेक्सागोन, अगर किसी भी हेक्सागन के अंदर हम अगर उसके डायगोनल्स को मीट करते हैं तो छोटे छोटे 6 समबाहु त्रिभुज 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं बनते हैं। तो अगर मैं जितने ट्रायंगल हैं 6 तो इन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर मिला दूं तो एक कंप्लीट हेक्सागन बन जाएगा। हाँ, तो क्या करूं अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और उसमें क्या करो 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो कंप्लीट हेक्सागन का एरिया निकल आएगा, निकल आएगा। तब ये जो ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल है समलंब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता क्या होता √3/4 a साइड का स्क्वायर, हां इनटू में 6। तो ये जो चीज है ये एक समबाहु त्रिभुज का एरिया है, इसमें क्या कर दूं मैं हेक्सागन का चाहिए कंप्लीट 6 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे आप कैलकुलेट कर ले रहा इसको, तो देखिए 2 3 6 और ये 2 2 4 ये हो गया 3/2 इनटू में √3 साइड क्या है हमारी 4 है, 4 इनटू में क्या कर दो 6 6 कर दो, तो 2 1 कम 2 2 4, तो देखिए 3 × 6 = 24 √3 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा और हेक्सागोनल प्रिज्म का वॉल्यूम होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से रिलेटेड, एक प्रिज्म का आधार बेस एक ट्रायंगल है तथा उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है प्रिज्म की, और प्रिज्म का जो आधार है एक त्रिभुज है उसकी जो भुजाएं दी हैं 5, 12 तथा 13 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि इस प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब प्रिज्म का आधार क्या है ट्रायंगल, ट्रायंगल बना लो, बना लीजिए, हमें कितना दिया है 5, 12, 13 ले लो, अब इसको
इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो ये बन गया ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या बन गया? ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया। ठीक है, तो क्या निकालना सबसे पहले? वॉल्यूम निकालना है। हाँ, इसमें एक हाइट दी हुई थी, हाइट कितनी दी थी? 10 सेंटीमीटर दी थी। तो वॉल्यूम क्या होता है? प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इनटू हाइट है क्या है? तो बेस हमारा क्या है? ट्रायंगल। मतलब हमें क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, और हाइट क्या हमारी? 10 है। तो ध्यान दो, मैंने आपको पहले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में चीज बताई थी कि 5, 12, 13 जब भी लिखा, इसका मतलब क्या होता है? हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है। तो 5 का स्क्वायर कर दो तो ये होगा 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर कितना? 169। मतलब जो 13 का स्क्वायर है वो बराबर किसके है? 5 और 12 के। 5 और 12 के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ, 144 25 कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। हाँ, तो 5 और 13 पाइथागोरस साथ में लगाया है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा? समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो एरिया होता है क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो अब देखो, ये तो कर्ण होगा क्योंकि जो सबसे लंबी भुजा वो आपके हाइपोटेनस है, कर्ण है। हाँ, तो जो बचेगा वो आपका बेस होगा और हाइट होगी। तो हाफ बेस में आ गया, तो 5 ले लो, 12 ले लो, हाइट में क्या ले लो? 12 ले लो, हो गया 10 × 2 = 12 = 5 × 30 = 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 × 300 ×
आधार का परिमाप ट्रायंगल तो टॉप का बॉटम मत करो, आप एक चीज निकालो उसका क्या कर दो, डबल डबल कर दो, या टॉप या बॉटम का जो भी आप के लिए निकालो उसका क्या कर दो, डबल कर दो तो दोनों का आ जाएगा, क्योंकि डायमेंशन क्या है उसके सेम है। तो कर दो, अब त्रिभुज का एरिया में आपने निकाला कितना आया, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट का ना, हां तो ये 2 6 का 12 और 5 6 का 30, तो ट्रायंगल के लिए कितना है 30 30 यहां पे क्या कर दूं, टॉप आर एक त्रिभुज है तो हमने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया उसका, इसको बॉटम लिख लो, तो 3 गुणा कितना हो गया 60, ठीक। तो बेस और टॉप का कंप्लीट एरिया कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, हां ऊपर नीचे दोनों का। तो आधार का परिमाप, आधार एक त्रिभुज है और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का जोड़, तो 12 5 17 13 30, तो 30 और हाइट कितनी है 10, 60 कर दो तो 3 दाम 300 प्लस 60 कितना हो जाएगा 360 360 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया है, यहां क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन का जो कांसेप्ट है और जो क्वेश्चन था आपको समझ में आए होंगे, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फेसबुक के वॉल पर इसको पोस्ट करिए, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे मैं आपको और वीडियोस तरह से बनाता रहूं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तब भी कमेंट करिए और अच्छा नहीं लगे फिर भी कमेंट करिए, तो अच्छा नहीं लगे फिर भी कमेंट करें तो मतलब ये कि आप, मुझे ये तो पता चलेगा कि आप वीडियो कम से कम देख रहे हो, बी ह्यूमन हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, तो अगर कुछ गलती की आप